नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास ऐसा फोन है जिसने रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, 250,000 मतलब 2.5 लाख फोन 8 मिनट में बेचे हैं। और ये कौन सा फोन है? ये है Redmi 4। जी हाँ, आप मिक्स मत कीजिए Redmi 4 A के साथ, ये Redmi 4 है जो एक मेटालिक डिजाइन का फोन है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। लेकिन पहले चलो करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने से पहले चलिए देखते हैं पीछे क्या लिखा है। तो Redmi 4 ड्यूअल सिम, ड्यूअल स्टैंड बाय, FDD LTE, TDD LTE, WCDMA एंड GSM, मतलब ये LTE के सब बैंड्स को सपोर्ट करता है। जियो का सिम आप यूज़ कर सकते हैं, वोल्टी फोन है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें ये है कि ये मेड इन इंडिया है। इट इज़ नॉट अ मेड इन चाइना फ़ोन, इट इज़ अ मेड इन इंडिया फ़ोन। हमने जो फ़ोन ख़रीदा हुआ है, हमारे पास जो पीस है वो है 3GB RAM एंड 32GB ROM, मतलब स्टोरेज, 32GB स्टोरेज। और तो कुछ नहीं है, चलिए बढ़ते हैं। मैंने भी अभी तक ये फोन को कुछ देखा नहीं है, आपके सामने ही खोल रहा हूं, सो लेट्स सी। तो ये रहा आपका Redmi 4i। सबसे पहले फोन देखते हैं, बहुत ही प्रीमियम हाथ में लगता है, आई मस्ट से। ऑफ कोर्स दिस इज अ मेटल बैक, सो दिस इज अ प्रीमियम फोन। कर्व्ड ग्लास है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, द एजेस आर कर्व्ड, इट लुक्स प्रीमियम फोन। फोन को अभी थोड़ी देर बाजू रखते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या है बॉक्स के अंदर। तो ये है आपका USB चार्जर केबल एंड नॉर्मल केबल है। इसका चार्जर जो है वो फास्ट चार्जर लगता है, देखता हूँ क्या है इसमें। Xiaomi अडाप्टर पावर 5V 2A, ये रखते हैं बाजू को। पहले सिम स्लॉट देखते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज अ ड्यूअल सिम हाइब्रिड, दिस इज सिम 1, सिम 2 और TF कार्ड, मतलब माइक्रो SD कार्ड आप इधर डाल सकते हैं या नैनो सिम डाल सकते हैं, एंड माइक्रो सिम इधर होगा। सो ड्यूअल सिम है, इधर यू कैन यूज 1 सिम एंड 1 SD कार्ड, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 सिम कार्ड। चलिए देखते हैं, ऑन द राइट हैंड साइड अपने पास वॉल्यूम रॉकर है, ऑन ऑफ बटन है, नीचे नॉर्मल माइक्रो USB पोर्ट है, एंड देन वी हैव दिस स्पीकर एंड द सिम कार्ड स्लॉट। इसमें IR ब्लास्टर है, ये एक यूनिक फीचर है इसका, जिसमें आप AC या आपका TV इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं, एंड 3.5mm जैक। तो ये है आपका Redmi 4। मैंने अभी ये फ़ोन को चालू कर दिया है, MI का लोगो आ रहा है। तो जब तक बूट होता है ये फ़ोन, मैं आपको सब स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ। सो बेसिकली स्पेसिफिकेशंस इस फ़ोन के हैं, 5-inch IPS 1280x720 पिक्सल स्क्रीन, ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर। ये 3 वेरिएंट्स में आता है, 2GB, 3GB, 4GB RAM एंड 16GB, 32GB एंड 64GB स्टोरेज। हाइब्रिड डुअल सिम स्लॉट है जो मैंने आपको दिखाया है, एक्सपेंडेबल स्टोरेज, 13MP रेयर कैमरा f2.0 है एंड 5MP फ्रंट कैमरा 2.2F है, 4G वोल्टी वाईफाई, ब्लूटूथ 4.1, GPS, IR ब्लास्टर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4100mAh बैटरी। थोड़ा डाउनसाइड एक है कि एंड्रॉयड 6.0 पे है, 7.0 नहीं आता है, एंड द वेट ऑफ दिस फोन इज 150 ग्राम्स। तो फोन को मैंने अब सेटअप कर दिया है, दिस इज मी UI 8 पे है। चलिए देखते हैं फोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस, सेटिंग्स। लेट्स गो टू अबाउट फोन। अगर एंड्रॉयड वर्जन 7.0 होता तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन ये फोन जो है वो 6.0.1 पर ही चलता है, लेकिन अपडेट आ जाएगा ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं। तो एक मुझे कहना है कि ये जो नीचे के बटन्स हैं वो बैकलिट है नहीं, तो आपको उसका प्रॉब्लम हो सकता है, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए इसको। ब्लोटवेयर अगर देखा जाए तो उनके खुद के MI के ऐप्स हैं कुछ, MI पिक्स, MI कम्युनिटी, MI स्टोर, MI के थीम्स हैं, सो देर आर सम ऐप्स विच आर फ्रॉम MI, बट
इसमें एक MI रिमोट ऐप है, क्योंकि आपका जो फ़ोन है वो IR ब्लास्टर सपोर्ट करता है, तो आप इसमें AC, फ्रिज ये कंट्रोल कर सकते हैं एज अ रिमोट कंट्रोल। सो MI का रिमोट का ऐप भी है, विच विल बी वेरी यूजफुल। जैसे मैंने आपको पहले बोला, कैमरा इसका जो है वो 13 मेगापिक्सल बैक एंड 5 मेगापिक्सल फ्रंट, f2.0 बैक के लिए, f2.2 फ्रंट के लिए। हमने कुछ फोटोज निकाले एंड मैं आपको ये सैंपल्स दिखाता हूँ। मुझे लगता है फॉर द प्राइस इसका कैमरा